वसीम सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आपसे न्यूयॉर्क कंपनी में शुमार होने के लिए। वसीम सर, मोमेंटम तो स्ट्रांग है आपके लौटने के बाद, एकदम चार चांद लग गए बाजार में। सही कहा, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज आई वॉज केम एट अ टाइम वेन देर वॉज लॉट ऑफ पेसिमिज्म। लेकिन मैं आपको एक मिनट लूंगा आशीष जी, मुझे 32 साल हो गए शेयर बाजार में, मैंने कमोडिटीज में बहुत साल बाद ऐसा बूम देखा है। जब मैं एंटर किया था, मुझे बताया गया था हाउ बैंक्स आर प्रॉक्सी टू लेंडिंग इन द इन्वेस्टमेंट साइकिल, लेकिन टाटा स्टील ने जो भाव दिखाया है, और सिर्फ टाटा स्टील नहीं, आज जो आप देख रहे हो टाटा स्टील हैज रिड्यूस डेट, जिंदल स्टील इज रीपेइंग इट्स डेट, शुगर, सीमेंट, रबड़, स्टील, आप पावर दीजिए, सीमेंट, हाउ कैन यू गो रॉन्ग? एंड एट दिस टाइम आफ्टर ऑल दिस इज द कोविड ओवरहैंग, बट टेल मी आशीष, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ व्हेन कोविड स्टार्ट्स टू डिक्लाइन एंड इन द नेक्स्ट मंथ व्हेन द साइकिल अगेन रीओपन्स, व्हाट विल यू डू? सो यू मस्ट ओन बैंक्स। आई थिंक बैंक्स आर गोइंग टू बी प्रॉक्सी टू द बेस्ट रैली। अगर इस भाव पे स्टेट बैंक को मैं देखता स्टील के साइकिल पे, तो स्टेट बैंक का भाव 650 होना चाहिए, पीएनबी का 70 रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 150 रुपए और कैन बैंक का 250 रुपए। तो मैं इसमें ज्यादा देर नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं आज एचडीएफसी ने सबसे अच्छे रिजल्ट, और उनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी बुलिश थी, तो हाउ कैन यू गो रॉन्ग ऑन अ स्टॉक लाइक इंडिया बुल्स, जो हाफ टाइम प्राइस टू बुक 350 की बुक पे 180 रुपए पे अवेलेबल है, जिसका मार्केट कैप 7000 करोड़ है। तो मैं कहता हूँ वैल्यू पिक्स विल डू इमेंसली वेल। ये हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है, ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस साल सिर्फ इन शेयरों में बने रहिए। तो दो पिक्स है आज के लिए, और इंडिया बुल मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको एक महीने के लिए रखिए, लेकिन इसको चार महीने रखोगे तो 250 का भाव, 170-172 का स्टॉप लॉस रखिए जो आपको कंफर्टेबल है, इंडिया बुल विल आउट परफॉर्म। साथ में स्टेट बैंक, यू कांट गो रॉन्ग, 650 का भाव आपको अगले चार महीने में दिखना ही दिखना है, तो 60-62 में लीजिए, 61-62 में 50 का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा कंजर्वेटिव बनिए बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, बट एटलीस्ट राइट इट टू 425। वाह, तो मार्केट्स पे चेक और दो बढ़िया भसीन जी के भरोसेमंद स्टॉक्स आपकी स्क्रीन्स पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग जो 245 का लक्ष्य है, थोड़ा सा रखना है, 2 से 4 महीने तक रखिएगा, बढ़िया आप मूव देके ये स्टॉक जाएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ी सी वोलेटिलिटी के लिए ब्रेसअप करिएगा, लेकिन इवेंचुअली 385 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके, और भसीन सर फिर आपको नजर आएंगे, दो और बेहतरीन पिक्स होंगी आपसे कुछ ही देर बाद, दोपहर 3 बजे। भसीन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के।